जो भी किए हैं उस पर ऐसे सख्त नोट लें और सख्ती से इसकी कार्रवाई करें। तनकीद करना, मजलिस के कदम को रोकना, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप मीडिया के तमाम को कि मजलिस आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के तमाम 25 करोड़ मुसलमानों की और तमाम दलित और तमाम पसमानदा लोगों की एक आवाज़ बन चुकी है। उस क़ियादत का नाम बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त खामोश रहते हुए पेशेंस का मुजाहरा करती है, कभी अपनी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं करती, मगर ये मुखालिफीन ये नहीं समझ रहे हैं कि मजलिस की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की रैली कामयाब गुजरने के बाद वहाँ जो इनॉग्रेशनों का जो प्रोग्राम था वहाँ पर इख्तिताम के बाद यहाँ पर एक चंचलगुड़े में एक बैनर्स को निकाल देना, बैनर्स को फेंक देना, तो उसी सिलसिले में आज हमारे मजलिस के एक सीनियर वर्कर वजीउद्दीन सलमान जिसको ऐसे वहाँ पर धमकियाँ भी दी जा रही है कि फलां कर देंगे ये कर देंगे, और आज उन्होंने यहाँ पर आकर पीएस में कंप्लेन बुक किए हैं। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी वर्कर को ना आप धमकी दीजिए ना आप कोई चैलेंज कीजिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वो ताकतवर जमात है जिसकी क़ियादत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब, जिसकी क़ियादत अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। तो मैं आप मीडिया के ज़रिए तमाम हैदराबाद के उन तमाम मुखालिफीन को फिर से एक बार वार्न करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आए दिन आज मजलिस के कायदीन को सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए बदनाम करने की बात कर रहे हैं, तो आज हैदराबाद के दिलों में हैदराबाद की आवाम के दिलों में राज कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन बेखौफों को, उन नादानों को ये नहीं मालूम, वो ना उनकी इज्जत ना ख़ानदान में है ना घर में है, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदम को रोकना चाहते हैं। तो मैं उन नाकाम अजायम को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप अपने घर को देखिए, क्योंकि आपको ना कौम को देख सकते हैं ना आप कोई सियासी मैदान में आप कभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद शहर यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर है। हैदराबाद शहर का हर वो नौजवान, हर वो इंसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी आन शान और अपनी पहचान मानता है। तो फिर मैं ना सिर्फ मलकपेट यह यहाँ के रहने वालों को बल्कि तमाम हैदराबाद में जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के खिलाफ कोई साजिश सोच रहे हैं तो वो अपने आँखों अपने दिमाग से वो साजिश निकाल दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को के बीच में मत आएँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जो काफिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कामयाबी का सिलसिला चल रहा है उसको ये नाकाम चंद फिरखा परस्ती की सोच रखने वाले ये कभी कामयाब नहीं हो सकते, इनके नाकाम अजायम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सिर्फ जिंदाबाद फायर किसके कंप्लेंट किसके किसके ऊपर हुई है? ये सलमान का है, सलमान वजीउद्दीन सलमान को ऐसे बुलाना सलमान को।